नमस्कार, मुं सुनील कुमार। प्रिय दर्शक बंधु, जीवंत आहार को आपण मानको पुनर्बार स्वागत करे। आसंतु आज ध्यान निमंते आमारे पवित्र बाइबल मार्क लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय 13 पद रु 28 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजर मुख्य प्रसंग स्वर्ग राज्यर नूतन स्तर। एठारे इपर लेखा अछि, जिसु पुनर्बार समुद्र कूल को बाहरी गले आउ लोक समूह ताहांको निकट को आसंते से समानको शिक्षा देबाको लागिले। पुणी जाओ जाओ से आल्फियंकर पुत्र लेविंगी कर आदाय स्थान रे बस्तीबा देखि ताहांको कहिले, मोहर अनुगमन कर। सेतिर से उठी ताहांकर अनुगमन कले। आउ जीशु ताहांको गृह रे भोजन करबाको बसिबा समय रे अनेक करग्राही एवं पापी ताहांको ओ ताहांकर शिष्य मानको संगरे बसिले, कारण से माने अनेक थिले। पुणी ताहांकर अनुगमन करूथिले से पापी ओ करग्राही मानको सहित भोजन करूछंती। एहा देखि फारसी दलर शास्त्री माने ताहांको शिष्य मानको कहिबा को लागिले, ए कोन से करग्राही ओ पापी मानको संगरे भोजन करंती। जिसु ताहा सुनी से मानको कहिले, सुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन नाही, मात्र असुस्थ लोक मानकर वैद्य ठारे प्रयोजन अछि। मु धार्मिक मानको आह्वान करबा निमन्ते आसि नाही, किंतु पापी मानको आह्वान करबा निमन्ते आसि अछि। जहनकर शिष्य माने ओ फारसी माने उपवास करूथिले, सेथिरे से माने आसे ताहांको कहिले, जहनक शिष्य माने ओ फारसी मानकर उपवास करंती, किंतु आपनकर शिष्य माने उपवास करंती नाही काहेकि। जीसु से मानको कहिले, बरजात्री मानको सहित बरथिबा समय रे से मानके उपवास करि पारंती, बरं जे पर्यंत से मानको सहित थांती, बर जे पर्यंत से मानको सहित थांती से पर्यंत से माने उपवास करि पारंती नाही। किंतु समय आसीब जेतेबेले से मानको ठारु बरंकु काडी निया जीव, आ सेतेबेले सेई दिन से माने उपवास करिवे। केही नुआ लुगार ताळी पुरणा लुगारे पकाई नाही, पकाईले नुआ ताळी पुरणा लुगारु बेसी छिंडाई निए एवं आहुरी अधिक बड़ चिरा हुए। आउ केही नुआ द्राक्षरस पुरणा कुंपारे रखे नाही, रखिले ताहा कुंपा फटाई दिए, पुणी द्राक्षरस ओ कुंपा उभय नष्ट हुए। किंतु नुआ द्राक्षरस नुआ कुंपारे रखिबा उचित। थरे से विश्राम बारे शस्य क्षेत्र दे जाउथिले, आउ ताहांकर शिष्य माने जाउ जाउ शस्यर सीसा छिंडाइबाकु लागिले। एतिरे फारसी माने ताहांको कहिले, देखो विश्राम बारे जहां करिबा विधि संगत नुहे, एमाने काहे के ताहा करूछंती। से मानको कहिले, दाऊदंकर अभाव समय रे जेतेबेले से ओ तांको संगरे खिदित होइथिले, सेतेबेले से कोन करथिले ताहा कि तुम माने केबे हे पाठ करिनाहु। अभियातर महाजाजक समय रे से किपर ईश्वरक गृह रे प्रवेश करी, जो दर्शनी रोटी जाजक मानक बिना आउ कहारी भोजन करिवा विधि संगत नुए, ता भोजन करथिले। पुणी आपणा संगी मानकु मध्य देथिले, आउ से मानकु कहिले, विश्राम बार मनुष्य निमन्ते होइयोछि, मनुष्य विश्राम बार निमन्ते होइ नाही, तेणु मनुष्य पुत्र विश्राम बारर मध्य प्रभु अटंती। पठित वाक्य रे प्रभु आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु। आसंतु पठित शास्त्रांशकु आमाने बुझिबा निमन्ते चेष्टा करु। जीसु सर्वदा मौलिक स्तररु आपणा सेवा कार्य परिचालना करूथिले। लोकमाने कर आदायकारी मानकु घृणा करूथिले ओ सेमानको ठारु दूरर रहूथिले, कारण सेमाने अनैतिकता ओ रोम सरकारंको सहित सहयोग करूथिले। एणु जणे लेविकु जीसु किपरि आपणा शिष्य भावरे आह्वान करूथिले, जीसु कहूथिले वर्तमान कि उपवास करिबा समय नुहि। लोकमाने समस्त विषयर ऊर्ध्वरे व्यवस्थाको मानुथिले ओ विश्राम बारको गुरुत्व देउथिले, किंतु जीसु ही समस्त विषय अपेक्षा लोकमानको अधिक गुरुत्व देउथिले। विश्राम बारे जीसु ही प्रथम स्थानरे आपणाको प्रतिष्ठा करूथिले, जहाँ माने 23 पदरु 28 पद मध्यरे देखिबारुछु। पठित शास्त्रांशरे ईश्वर किए अटंती ताहा आसु आमने देखिबा। 13-17 पद अनुसारे से समाज परिसीमार बाहरे जाए पापीमान को निकट को जाउथिले। लोक माने निजकु उच्च स्तरर जीवन धारण और कलंक रहित भावरे जीवन जापन करी पापीमान को ठारो दूररे रहउथिले। एही प्रकार लोक मानकु साक्षात करनथिले, एतु जीसु से मानको पाखु को जाउथिले ओ से मानकु तांको पाखु आसीबाकु सुजोग देउथिले। जीसु पापीमान को सुस्थता प्रदान करी ईश्वरंग राज्य को प्रसार और प्रचार करूथिले, किंतु से मानको ठारो पृथक रोउ नथिले।
ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆସୁ ଆମମାନେ ଶିଖୁ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେପରି ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନୂତନ କୁମ୍ଫାରେ ରଖାଯାଏ, ସେପରି ନୂତନ ଜୀବନ ଯାହା ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମର ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆସୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଅଛୁ, ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କୁମ୍ଫାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଅଛୁ ତାହା ନିଜେ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦରରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।